टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल संग्रह को। इसको आप स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक बेल आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत कश्यप और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टेक्निकल संग्रह में। और दोस्तों, आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो गया। जब ये ऑन हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ। वैसे तो इसके बारे में वीडियो मुझे बनाना नहीं चाहिए, कोई टॉपिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जब भी हम लोग का चैनल रिव्यू पे जाता है तो अधिकतर हम लोग के मन में क्वेश्चन होता है कि चैनल रिव्यू पे जाने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या उन लोग को फीडबैक भेजना चाहिए या फिर उसको मोनेटाइज होने में कितना दिन का समय लगता है। ये सभी का प्रश्नों का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों मुझे जो है मोनेटाइजेशन ऑन होने में चैनल को कुल 25 डे लगा है। 25 डे रिव्यू पे था, उसके बाद ये ऑन हो चुका है। और इसके लिए मैं कुछ भी नहीं किया, मेरा चैनल मोनेटाइजेशन पे गया उसके बाद मैं इसको यूट्यूब को कोई भी फीडबैक नहीं भेजा, कुछ भी नहीं किया हूँ। हाँ, एक दो बार यूट्यूब में सर्च जरूर किया था कि कितना समय में मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, तो उसमें मुझे पता चला था कई लोग का 15 दिन, कई लोग का 20 दिन, तो कई लोग का 25 दिन ऐसे में मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। अब वो रिव्यू करने के ऊपर है कि कैसे रिव्यू चल रहे हैं, उस समय काम कैसे चल रहा है, इस हिसाब से रहता है। और आप फीडबैक जितना भी भेजे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका चैनल अगर सही है, अगर चैनल पे सही कंटेंट आप डाले हो तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आप फीडबैक भेजो कि नहीं भेजो। अगर गलत है तब जितना भी फीडबैक भेज लो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और सही डाले हो तो शुरू में ही मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। मेरा चैनल बहुत आसानी से हो गया और मुझे पता भी था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा क्योंकि मैं हर एक कंटेंट अच्छे से डाला हूँ और पूरा ध्यान रखा हूँ कि कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए या फिर कुछ भी गलत चीज मैं नहीं बताया हूँ अपने चैनल पे और कोई भी कॉपीराइट चीज उपयोग नहीं किया हूँ। तो ऐसे अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज जरूर होगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, रिव्यू पे जाएगा उसके बाद मोनेटाइज हो जाएगा। तो मेरा 25 डे लगा और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ। और दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, वो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा, अब मैं अच्छे से वीडियो डालूंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारा जानकारियां लेकर के आते रहता हूँ और बहुत सारा जानकारियां अभी अपलोड भी करना है मुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक ये सभी जानकारी पहुँच पाए। थैंक यू।